तो भैया आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम डेट की आज हम बात करेंगे। जी हाँ, कि आपके एग्जाम्स इवन सेमेस्टर के कब होंगे। अभी आप ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, आठ सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, उसके बाद ही तुरंत ही आपके पढ़ाई स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत से कॉलेज में छुट्टियां भी हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप छुट्टी लेके आराम कर सके। इस टाइम बहुत सारे सीजनल, खासकर जो विलेज गांव से बिलोंग करते होंगे, उन बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड घर का भी आ जाता है, तमाम चीज कटाई दवाई आ जाता है, लेकिन वो सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इवन सेमेस्टर में आपको इतना ज्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप इत्मीनान से पढ़ के एग्जाम दें। आपका इवन सेमेस्टर का एग्जाम बहुत जल्दी करवाया जाएगा, और रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये है ताकि अगला सत्र जो है वो स्वाभाविक ढंग से चल सके, जैसे कि मतलब पहले चलता आ रहा था। कोविड के कारण बहुत ज्यादा अव्यवस्थाएं आ गई थी, मतलब जो दिसंबर में एग्जाम करवाना है उसको मार्च में करवाया जा रहा है, मार्च वाले एग्जाम को जाके दिसंबर में करवाया जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से अव्यवस्थाएं फैल चुकी थी। तो उन्हीं सभी चीजों को सुधारने के लिए जो है इस बार आपको समय इतना ज्यादा नहीं मिलेगा कि आप आसानी से पूरा तैयार कर सके, आराम से पढ़ सके और फिर उसके बेस पे एग्जाम दे सके। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे यहाँ पे कि आप कि एग्जाम्स कब से कब तक कराए जाएंगे। उससे पहले बताना चाहेंगे कि कोई भी सेमेस्टर एग्जाम करवाने के लिए, या अगर सेमेस्टर वाइज एग्जाम है तो उसमें आपका सेमेस्टर एग्जाम करवाने के लिए कम से कम 90 दिन का क्लास चलना जरूरी होता है। जी हाँ, कम से कम, ध्यान से बात सुनिएगा, कम से कम 90 दिन का क्लास चलना जरूरी है। अब यहाँ हमारे पॉलिटेक्निक पे क्या होता है, वही कम से कम को क्राइटेरिया बना दिया जाता है कि जैसे तैसे 90 दिन क्लास हो जाए, काउंटिंग में हो जाए, बच्चे आ रहे हैं आना रहे डजंट मैटर, लेकिन काउंटिंग में 90 डेज कंप्लीट, आपका सेमेस्टर का एग्जाम शुरू। तो वही 90 दिन की व्यवस्थाएं आपको बताने चल रहे हैं, और एग्जाम कब होंगे ये भी हम बात करेंगे, दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सम सेमेस्टर का जो है पठन पाठन का कार्य, वो 22 जनवरी से 27 मई तक का ये माना गया था। अब बीच में आपके एग्जाम्स थे और फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क भरने की जो तिथि है 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक है। अब 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपको इवन सेमेस्टर के फॉर्म फिल करने की डेट है। आज डेट क्या है, 12 अप्रैल, अभी इवन सेमेस्टर का फॉर्म नहीं फिल किया जा रहा है, ठीक है, जबकि डेट ये था। और ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से भरे गए आवेदन पत्रों के आधार पर अंकमांक आवंटित करने और नामावली के लिए 1 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि 5 मई से 10 मई के बीच था। और एग्जाम डेट की हम बात कर रहे हैं, एग्जाम डेट की, तो यहाँ पे प्रवेश पत्र जारी होने के बाद सेशनल अंकों की फीडिंग जो है 6 मई से 20 मई के बीच में होनी है। अब देखिए मार्च चल रहा है आपका, ठीक है, आपके सेशनल अंकों की फीडिंग यहाँ पे देख सकते हैं 6 मई से 20 मई के बीच होनी है। तो आज मार्च में अभी क्लासेज स्टार्ट हुए हैं, आज है 12 अप्रैल है, 12 अप्रैल के बाद जस्ट मई आएगा, ठीक है, एक महीने का मुश्किल से टाइम मिल रहा। अब इसमें कितने दिन क्लासेज चल रहे हैं आप लोगों से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपके कितने क्लासेज चल रहे हैं, इसमें क्या 90 दिन के क्लासेज चल रहे पा रहे हैं या नहीं, इस पर भी आप जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। उसके बाद सैद्धांतिक एग्जाम जो है परीक्षाएं, वो परीक्षा 28 मई से 23 जून के बीच, यानी आपकी जो परीक्षा है 28 मई, यहाँ पे देख सकते हैं 28 मई से 23 जून के बीच आपके पेपर होने हैं। अब इसमें एक महीना अभी ये बचा है, एक आप पेपर दे के आए हो, तुरंत आप पढ़ाई पे आपको लगना है, उसके जस्ट एक महीने बाद फिर से आपका एग्जाम का डेट आ जाएगा और फिर से आपको एग्जाम देने के लिए तैयार हो पाएगा। तो आप लोगों को के पास सोच सकते हैं कितना कम समय है, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है और उस हिसाब से पढ़ना है और कंटिन्यूअस मेहनत करना है। पैरेलल क्लासेस जो भी चलेंगे उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जितने भी क्लासेस चल रही हैं, और वहां पे भी ट्राई करिए कि सिलेबस किसी भी तरीके से कंप्लीट हो जाए, हालांकि टाइम नहीं है, कुछ पढ़ाई हुआ था 10-15 दिन मुश्किल से एग्जाम से पहले, आठ सेमेस्टर के एग्जाम से पहले, फिर बीच में आठ सेमेस्टर एग्जाम आता है, उसके बाद फिर एक महीने की पढ़ाई, फिर आपका एग्जाम आएगा। ये इस तरीके के शेड्यूल्ड
बनाए गए हैं और इसी तरीके से आपको एग्जाम देने हैं। तो ये सारी प्रक्रिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपका एग्जाम कब होने वाला है, मतलब 28 मई से 23 जून के बीच में आपका एग्जाम चलेगा। अब इस हिसाब से आपने आपको मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए और स्टडी भी आप अपना इस हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए कि जल्दी जल्दी से कोर्स जो आप का ताकि कंप्लीट हो जाए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आप थोड़ा सा अपने प्रति जो है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए और उस हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये थी अपडेट। और आपके हर एक पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, बीटीपी से रिलेटेड सारी जानकारियां प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। इसके अलावा आपके लिए ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से नोट्स वगैरह जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो भी प्रोवाइड करें। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है बीटीपी डिजिटल एजुकेशन में। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय।